हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन द क्वांटम मैकेनिक्स दैट इज द दाइट पोटेंशियल बैरियर इससे पहले भी बच्चों हमने दो आर्टिकल डिस्कस किए थे द स्टेप पोटेंशियल विद एनर्जी ई लेस देन वी नॉट एंड एनर्जी ग्रेटर देन वी नॉट तो सबसे पहले इसकी डायग्राम बनाते हैं सपोज वी हैव दिस इज दॉरिजोंटल डायरेक्शन सपोज दिस इज अ पॉइंट विच इज एक्स इक्वल टू जीरो और यहां पे हमारे पास एक पोटेंशियल स्टेप है ऑफ अ फाइनाइट विर्थ पिछली बार हमने जो बैरियर लिया था दट इज ऑफ इनफाइनाइट विर्थ बट नाउ दिस इज ऑफ फाइनाइट विर्थ सो लेट दिस पॉइंट इज एक्स इक्वल टू ए मीन्स दर्थ ऑफ द बैरियर इज ए क्लियर सो दिस इज वॉट दिस इज दिर्थ ऑफ दैरियर तो अब सारी डायग्राम को स्टूडेंट्स हम तीन पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं दिस इज रीजन नंबर वन रीजन नंबर टू एंड रीजन नंबर थ्री रीजन नंबर वन में हमारे पास जो है दैट इज फॉर एक्स लेस देन जीरो एंड रीजन नंबर टू हमारा है फ्रॉम एक्स इक्ल टू जीरो टू एक्स इक्ल टू एंड रीजन नंबर थ्री हमारा है फॉर एक्स ग्रेटर देन ए अगर हम बात करें जो हमने पिछले दो तो आर्टिकल डिस्कस किए हैं उसमें हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ इस तरह की प्रॉब्लम थी क्लियर दिस वॉज हाइट ऑफ द बैरियर एंड यहां पे या तो फिर एनर्जी लेस देन वी नॉट थी और दूसरा केस हमने डिस्कस किया था एनर्जी ग्रेटर देन वी नॉट जब हमने ई लेस देन वी नॉट का आर्टिकल किया था इसमें हमने प्रूव किया था दैट आर इज वन Means, जो रिफ्लेक्शन है वो हंड्रेड परसेंट होगा बट जो दूसरा केस था उसमें आर भी जीरो नहीं था एंड टी भी जीरो नहीं था तो उस केस में रिफ्लेक्शन भी होगा और ट्रांसमिशन भी होगा बट अगर हम बात करें फर्स्ट केस की जिसमें हमारे पास एनर्जी लेस देन वी नॉट है उसमें हमारे पास हंड्रेड परसेंट रिफ्लेक्शन था मतलब अगर पार्टिकल नंबर वन रीजन से दो नंबर रीजन की तरफ जाएगा तो पार्टिकल डेफिनेटली हमारे पास रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा तो इस केस में हमने देखना है पोटेंशियल बैरियर अगर हो, तो अगर एक पार्टिकल रीजन नंबर टू की तरफ जाए एंड उसकी जो एनर्जी है दैट इज दी नॉट वेयर वी नॉट इज वॉट हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर क्लियर तो इस केस में हमारे पास किस तरह की सिचुएशन बनेगी ये हमने मैथमेटिकली प्रूव करके देखना है तो सबसे पहले आर्टिकल को डिराइव करने से पहले हम पोटेंशियल का वेरिएशन लिखेंगे अलोंग दी एक्स डायरेक्शन वो मैं आपको लिख के दिखाता हूं हां जी स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लिखेंगे वेरिएशन फॉर पोटेंशियल वी एक्स इज जीरो वी एक्स इज वी नॉट एंड वी एक्स इज अगेन जीरो ये तीन डिफरेंट तरह की हमारे पास कंडीशंस हैं मैंने लिख दी Vx एक्स जीरो कब है फॉर द रीजन नंबर वन मींस फॉर एक्स लेस देन जीरो Vx की वैल्यू v नॉट है कब फॉर रीजन नंबर टू मींस जीरो लेस देन एक्स लेस देन ए एंड Vx थर्ड रीजन में अगेन जीरो हो गया मींस फॉर एक्स ग्रेटर देन ए सबसे पहले आर्टिकल डिराइव करने से पहले बच्चों हमने वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल लिखना होता है तो हमने यहां पे वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल लिख दिया क्योंकि अगर हमने शर्डेंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमें क्या चाहिए पोटेंशियल का फॉर्मुलेशन चाहिए तो हमें रीजन वन टू एंड थ्री के लिए पोटेंशियल की वेरिएशन मीन्स उनकी वैल्यूज पता चल गई है अगर हम इसको क्लासिकली देखें क्लासिकल व्यू हमें यह बताता है हमने ऑलरेडी जो पिछला एक आर्टिकल डिस्कस किया था पोटेंशियल विद एनर्जी लेस देन वी नॉट उसमें हमने देखा था अगर पार्टिकल के पास एनर्जी बैरियर की हाइट से कम है तो पार्टिकल क्या होगा ऑलवेज रिफ्लेक्ट ऑलवेज रिफ्लेक्ट बैक इनटू रीजन नंबर वन मीन्स पार्टिकल के ट्रांसमिशन होने के इन टू रीजन नंबर टू एंड थ्री ऑलमोस्ट जो है चांसेस जीरो हैं मतलब पार्टिकल ऑलवेज विल रिफ्लेक्ट बैक इन टू द रीजन नंबर वन वेन इट विल स्ट्राइक विद द बाउंड्री बिटवीन रीजन नंबर वन एंड रीजन नंबर टू बट अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग इसको देखें तो क्या होगा वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं नाउ वी हैव द क्वांटम मैकेनिकल व्यू क्वांटम मैकेनिकल व्यू सो क्वांटम मैकेनिकल व्यू को देखने के लिए हमने स्टूडेंट्स क्या करना होगा हम उसी तरह से जैसे हमने पिछले दो आर्टिकल्स में इक्वेशन सॉल्व की थी हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तीनों रीजन के लिए रीजन नंबर वन रीजन नंबर टू एंड रीजन नंबर थ्री के लिए तो सबसे पहले रीजन नंबर वन के लिए अगर हम देखें रीजन नंबर वन के लिए जो हमारा पोटेंशियल है दैट इज जीरो ऑलरेडी मैंने पिछली स्लाइड में भी लिख दिया वैल्यू ऑफ वी एक्स इज जीरो फॉर रीजन नंबर वन तो वी एक्स की वैल्यू हमारे पास जीरो हो गई अब अगर स्टैंडर्ड जो हमारी इक्वेशन है वो लिखें दैट इज वॉट डी टू साई बाई डी एक्स स्क् प्लस टू एम ई माइनस वी

तो हमारे पास बनेगा डी टू साई बाई डी एक्स स्केर प्लस टू एम ई बाई एच क्रॉस स्केयर साई इक्वल टू जीरो तो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट बचेगी और इसमें अगर हम देखें सो व्हाट विल हैपन टू एम ई बाई एच क्रॉस स्केयर इसको स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं इसको हम कोई और नया कॉन्स्टेंट का नाम दे देंगे दिस इज टू एम ई बाय क्रॉस स्केयर दिस इज सपोज के वन स्केर तो ये सारा जो कांस्टेंट फैक्टर है ये पॉजिटिव है तो इसको मैंने एक नया कांस्टेंट का नाम दे दिया विच इज के वन स्केयर तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी डी टू साई बाई डी एक्स स्क् प्लस के वन स्केयर साई इक्वल टू जीरो इसका सोल्यूशन मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था डी स्केयर बाई डी एक्स स्क्य हम कैपिटल डी स्केयर ले लेंगे प्लस के वन इक्वल टू जीरो से स्टूडेंट्स डी स्केर की वैल्यू क्या आएगी माइनस के वन एंड माइनस को क्या लिख सकते हैं आईटा स्केर के वन स्केयर तो डी केयर रूट क्या बने प्लस माइनस आईटा के वन तो ट्रेंडर्ड सोल्यूशन है दैट इज वॉट ए रेस्ट पार फर्स्ट रूट आईटा के वन एक्स minus बी रेस्ट पार तो ये हमारे पास फर्स्ट वे फंक्शन आ गया फॉर द रीजन नंबर वन फॉर रीजन नंबर टू व्हाट वी हैव द रीजन नंबर टू वैल्यू फॉर वी एक्स हमने क्या लिख रखी है ऑलरेडी दैट इज वी नॉट एंड सेकंड कंडीशन है दैट ई लेस देन वी नॉट तो अगर हम स्टूडेंट्स ये वाली जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसमें वैल्यू रखें तो वट वी विल गेट डी टू साई बाई डी एक्स स्क् प्लस टू एम ई माइनस वी नॉट बाई एच क्रॉस स्केयर साई इक्वल टू जीरो एंड इस केस में अगर हम देखें टू एम ई माइनस वी नॉट बाई एच क्रॉस स्केयर ये क्या आएगा

माइनस ई है पॉजिटिव नंबर ई माइनस वी नॉट इज लेस देन जीरो बट वी नॉट माइनस ई जीरो, तो हमारे पास ये जो टू एम वी नॉट माइनस ई बाई एच क्रॉस स्केयर है इसको हम एक नया नंबर ले लेंगे दैट इज के टू स्केयर तो ये जो हमारा सारा कांस्टेंट फैक्टर है ये क्या बना दिस इज के टू तो स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन क्या बनी डी टू साई बाई डी एक्स स्क् माइनस के टू स्क्यू विच इज इक्वल टू जीरो अगर हम सॉल्व करें तो ये बनेगा यह बनेगाक्वल टू जीरो की वैल्यू आएगी के टू एंड डी की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स प्लस माइनस के टू तो इस केस के अंदर हमारा जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है दैट इज दॉट सी ई रेस्ट पार माइनस के टू एक्स प्लस डी ई रेस्ट पार के टू एक्स तो ये हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन बन गया फॉर दी रीजन नंबर टू क्लियर नाउ इसके बाद स्टूडेंट हम बात करेंगे फॉर दी रीजन नंबर थ्री नाउ फॉर रीजन नंबर थ्री वॉट वी हैव अगेन फॉर द रीजन नंबर थ्री वो वीव दैल्यू फॉर वी एक्स विच इज इक्वेशन में वैल्यूज रखेंगे अब जैसे हमने पिछले इक्वेशन में टू एम ई बाई एच क्रॉस स्केयर को के वन लिखा था के वन स्केयर लिखा था तो सिमिलरली वी विल राइट डाउन टू एम ई बाई एच क्रॉस स्केर दिसन केक्वल टू जीरो स्टूडेंट क्या, तो क्या आएंगे वही आएंगी प्लस माइनस आईटा के वन तो इसका स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या बनेगा विच इज ई रेस टू पार आईटा वन एक्स प्लस एफ ई रेस्ट पार माइनस आईटा के वन एक्स सो दिस इज अवर सोल्यूशन फॉर द रीजन नंबर थ्री और अगर हम इस सोल्यूशन को देखे स्टूडेंट जैसे हमारे पास ये फर्स्ट सोल्यूशन आया था साई वन का इसके अंदर हमारे पास दो कॉम्पोनेंट्स है एक में ई रेस्ट पार आईटा के वन एक्स है और दूसरे में हमारे पास

क्लियर? तो हमारे पास दो तरह की वेव्स हैं इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव एंड सिमिलरली यहां पे हमारे पास वेव्स के कंपोनेंट नहीं है बच्चों के टू एक्स है या प्लस के टू एक्स है या माइनस के टू एक्स है मीन आइटा वाली टर्म नहीं है मीन वेव फंक्शन नहीं है और थर्ड वाले में अगेन हमारे पास यहां पर दो वेव फंक्शन है दिस इज विद पॉजिटिव आइटा एंड दिस इज विद नेगेटिव आइटा ये जो पॉजिटिव आइटा के वन एक्स वाली टर्म है दैट इज मूविंग इन दी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और ये जो नेगेटिव आइटा वाली टर्म है दैट इज मूविंग इन दी रिवर्स डायरेक्शन और अगर हम देखें सबसे पहली इक्वेशन इस केस के अंदर हमारे पास अगर इस तरह से दो वेवस हैं एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन वाली एक और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन वाली तो हम यहां पे देखते हैं रीजन नंबर थ्री में अगर कोई वेव आ रही है तो वो आगे की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाएगी बट आगे कोई ऐसी कंपोनेंट नहीं है जहां से रिफ्लेक्शन हो गए वेव वापस आए इसका मतलब यहां पे रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट नहीं होगा मींस इन रीजन नंबर थ्री नो रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट इज दियोर नो रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल नो रिफ्लेक्शन इज पॉसिबल क्योंकि रीजन नंबर थ्री में आगे की तरफ कोई इस तरह का चीज नहीं है जहां से रिफ्लेक्शन की पॉसिबिलिटी बने तो इसका मतलब हम यहां पे क्या करेंगे एफ को स्टूडेंट्स जीरो लिख देंगे तो हमारा जो वेव फंक्शन है वो क्या बनेगा दैट विल बिकम विच इज ई रेस्ट पार आईटा के वन एक्स सो दिस विल बी वेव फंक्शन फॉर दी रीजन नंबर थ्री सो यहां मैं सबस्क्रिप्ट थ्री लिख देता हूं क्लियर अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर सभी तीनों जो वे फंक्शन है हमारे उनकी इक्वेशन लिख लेंगे सो so, सबसे पहले हमारे पास रीजन नंबर वन की इक्वेशन आई दट इज ए रेस्ट पार आईटा के वन एक्स प्लस बी इेस्ट पार माइनस आईटा के वन एक्स सेकेंड वाली हमारी इक्वेशन आई थी सी ई रेस्ट पार माइनस के टू एक्स प्लस डी ई रेस्ट पार प्लस के टू एक्स और थर्ड रीजन की हमारी जो इक्वेशन आई दैट इज वॉट ई रेस्ट पार आईटा के वन एक्स तो ये हमारे स्टूडेंट्स के आगे दीज आर द्री वे फंक्शंस फॉर द्री डिफरेंट रीजन्स और यहाँ पे हम देखें ए बी सी डी एंड ई दीज आर दी फाइव अनोन कॉन्स्टेंट्स तो हम क्या करेंगे जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम में किया था वी विल फाइंड आउट दी वैल्यूज फॉर दीज अनोन कॉन्स्टेंट्स बाई यूजिंग दी बाउंड्री कंडीशंस वी विल सॉल्व दीज कॉन्स्टेंट यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस क्लियर अब देखेंगे यहाँ पे कितनी बाउंड्री कंडीशन लग सकती हैं। अगर मैं डायग्राम पे वापस जाऊं हमारे पास दो पॉइंट्स हैं एक, 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 एक जीरो दूसरा एक तू एक। तू तू यहां पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स x इक्ल टू जीरो एंड x इक्वल टू ए के ऊपर दो दो बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे हमने पहले भी लगाई है साई इज कॉन्टिन्यूस एंड करली साई बाई करली एक्स इज कॉन्टिन्यूस

एट एक्स इकल टू जीरो विच इज इक्वल टू साई टू एट एक्स इकल टू जीरो एंड सिमिलरली अगर हम अपलाई करें एट एक्स इकल टू ए तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा साई टू एंड राइट हैंड साइड बनेगा साई थ्री तो मैं ये कंडीशन अब अप्लाई करूंगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ए बी सी डी एंड ई नाउ वी अप्लाई बाउंड्री कंडीशन एट एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू ई तो सबसे पहले बच्चों हम अप्लाई करेंगे एट एक्स इक्वल टू जीरो कंडीशन है साई इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो तो बनेगा क्या साई वन एट एक्स इक्ल टू जीरो विच इज इक्वल टू साई टू एट एक्स इक्वल टू जीरो अगर हम लास्ट स्लाइड को देखें

ली एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो मीन्स करली साई वन बाई करली एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो विच इज इक्वल टू करली साई टू बाई करली एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो अगर हम इसमें कंडीशन लगाए तो करली बाई करली एक्स मीन्स एक्स की विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर देना है तो साई वन का डेरिवेटिव करेंगे तो आईटा के वन आगे आ जाएगा सेकेंड टर्म में से माइनस आईटा के वन आएगा और एक्स की वैल्यू जीरो रख देंगे तो एक्सपोनेंशियल टर्म्स वन बन, बन जाएंगे आईटा के, के वन बी विच इज इक्वल टू अब सेकेंड इसमें अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा माइनस के टू सी प्लस के टू डी माइनस के टू सी प्लस के टू डी और इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स हम सॉल्व करें तो क्या बनेगा देखते हैं आइटा के वन ए माइनस बी विच इज इक्वल टू माइनस के टू बाहर आ गया सी माइनस डी और माइनस के टू को क्या लिख सकते हैं आइटा स्क्वायर क्लियर तो ए माइनस बी विच इज इक्वल टू आइटा स्क्वायर के टू सी माइनस डी डिवाइडेड बाई आईटा के वन तो ए माइनस बी हमारा क्या बना दिस इज आई k2 के टू बाई के वन सी माइनस डी तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन नंबर दो बन गई ठीक है मैं एक बार फिर से ये सारी इक्वेशन दोबारा से लिख दूंगा एंड नाउ फॉर द सेकंड पॉइंट एक्स इक्वल टू ए तो हमारी थर्ड जो बाउंड्री कंडीशन है साई इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए तो बनेगा क्या साई टू एट एक्स इक्वल टू ए विच इज इक्वल टू साई थ्री एट एक्स इक्वल टू ए साई टू एक्स इक्वल टू ए जस्ट एक्स को हम क्या कर देंगे वैल्यू ए रख देंगे और साई थ्री में भी एक्स की वैल्यू ए रख देंगे तो बनेगा क्या बनेगा स्टूडेंट सी ई रेस्ट पार माइनस के टू ए प्लस डी ई रेस्ट पार माइनस सॉरी प्लस के टू ए विच इज इक्वल टू ई रेस्ट पार आईटा के वन ए सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर थ्री इसके बाद हम क्या करेंगे करली करलीसाई बाई करली एक्स की कंडीशन लगाएंगे सो फोर्थ कंडीशन इज करली करलीसाई बाई करली एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्ल टू ए तो करली साई टू बाई करली एक्स एट एक्सल टू एच इज इक्ल टू करली साई थ्री बाई करलीट एक्स इक्ल टू ए तो अब हम डेरिवेटिव भी करेंगे तो so, अगर हम देखें जो हमारी ये वाली इक्वेशन है इसमें अगर डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस के टू आगे आ जाएगा सेकेंड टर्म में से के टू आगे आ जाएगा और राइट हैंड साइड साई थ्री में से आईटा के वन आगे आ जाएगा तो ये बनेगा माइनस के टू सी ई पार माइनस के टू ए प्लस के टू डी ई रेस्टू पार के टू ए विच इज इक्वल टू आईटा के वन ई रेस्ट पार आईटा के वन ई e. तो इस इक्वेशन को अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से अगर हम देखें स्टूडेंट्स k2 टू कॉमन आ जाएगा और उसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इक्वेशन फाइनल में क्या बनेगी माइनस सी ई रेस्ट पार माइनस के टू ए प्लस डी ई रेस्ट पार के टू ए इज इक्वल टू आई के वन बाई के टू ई रेस्ट पार आई के वन ए सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फोर फोर इक्वेशन इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू इक्वेशन नंबर थ्री एंड इक्वेशन नंबर फोर बट हमारे पास अनोन है ए बी सी डी एंड ई अगेन मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था अगर अन कॉन्स्टेंट्स ज्यादा हो और इक्वेशन कम हो तो हम सभी अननोन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकाल नहीं सकते तो हमें क्या करना पड़ेगा कोई चार कॉन्स्टेंट्स को इन टर्म्स ऑफ फिफ्थ कांस्टेंट रिप्रेजेंट करना पड़ेगा क्लियर तो हम क्या करेंगे एक बार सब सारी जो इक्वेशन आई हैं उनको फिर से लिख लेते हैं एक पेज पे सो so, पहली इक्वेशन आई है ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी दिस इज इक्वेशन नंबर वन यू मैंने यहां पे लिखी है क्लियर सेकेंड इक्वेशन है ए माइनस बी इक्वल टू आई के टू बाई के वन सी माइनस डी ए माइनस बी इक्वल टू आईटा के टू बाई के वन सी माइनस डी दिस इज इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर थ्री है सी इस्ट पार माइनस के टू ए प्लस डी इस्ट पार प्लस के टू ए इक्वल टू ईस्ट पार आईटा के वन ए तो थर्ड इक्वेशन है सी इस्ट पार माइनस के टू ए प्लस डी इरेस्ट पार प्लस के टू ए इज इक्वल टू ई रेस्ट पार आईटा के वन ए दिस इज थर्ड इक्वेशन क्लियर इसके बाद फोर्थ इक्वेशन में आगे माइनस लगा देना है सी वाली टर्म के और डी वाली टर्म ऐसे पॉजिटिव है और राइट हैंड साइड आईटा के वन बाई के टू लगा दो बाकी टर्म्स सिमिलर सी लग रही हैं तो मेरी फोर्थ इक्वेशन है माइनस सी ई रेस्ट पार माइनस के टू ए प्लस डी ई रेस्ट पार के टू ए इज इक्वल टू आइटा के वन बाई के टू ई रेस्ट पार आइटा के वन ए तो ये हमारी चौथी इक्वेशन आ गई अब ये चारों इक्वेशंस को यूज करके ए बी सी एंड डी को हम किसी एक कॉन्स्टेंट की टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो पांचवा कॉन्स्टेंट कौन सा बचा ई e. तो हम सारी टर्म्स को ई e के अंदर ले जाएंगे क्लियर तो सबसे पहले बच्चों हम इक्वेशन नंबर तो e. और फिर इक्वेशन नंबर एंड टू में रखेंगे तो सारी राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर वन एंड टू इन टर्म्स ऑफ ई आ जाएंगी और फिर वी विल कैलकुलेट वैल्यू फॉर a एंड b इन टर्म्स ऑफ e तो ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसको आप ध्यान से करो ताजो कोई मिस्टेक ना हमारी हो जाए सो so नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर थ्री एंड इक्वेशन नंबर फोर को ऐड कर देंगे तो मैं यहां पे एडिंग इक्वेशन थ्री एंड फोर जब इक्वेशन नंबर थ्री एंड फोर को ऐड करेंगे ये सी वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी तो बनेगा क्या टू डी ई रेस्ट पार के टू ए विच इज इक्वल टू e कॉमन e आएगा अंदर बचेगा वन प्लस आईटा के वन बाई के टू क्लियर और यहां से हम अगर देखें d की जो हमारी वैल्यू आएगी दैट इज वॉट d इज इक्वल टू e रेस्ट पार आईटा के वन ए इंटू वन प्लस आईटा के वन बाई के टू और ये जो टू है नीचे आ जाएगा यहां पे और इेस्ट पर के टू ए माइनस के टू ए बन जाएगा सो वी हैव दिस वैल्यू फॉर कैपिटल डी क्लियर नाउ सब्ट्रैक्टिंग थ्री एंड फोर अब थ्री एंड फोर को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डी वाली टर्म स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगी तो बनेगा क्या टू सी ई रेस्ट बार माइनस के टू ए विच इज इक्वल टू ई रेस्ट पार आईटा के वन ए ये कॉमन आ जाएगी वन माइनस आईटा के वन बाय के टू सो फाइनली व्हाट वी हैव वैल्यू फॉर सी विच इज इक्वल टू ई रेस्ट पार आईटा के वन ए बाय टू वन माइनस आईटा के वन बाय के टू और ये जो ई रेस्ट पार माइनस के टू ए है लेफ्ट हैंड साइड में ये आ जाएगी इेस्ट पार प्लस के टू ए तो ये हमारी सी की वैल्यू आ गई क्लियर तो एक बार मैं ये दोनों लिख लेता ऑन द नेक्स्ट स्लाइड सी हमारा बच्चों क्या बना बाई टू इंटू वन माइनस आईटा के वन बाई के टू इंटू रेस्ट पार प्लस के टू ए और डी हमारा क्या बना ई रेस्टू पार आईटा के वन ए डिवाइड बाई टू वन प्लस आइटा के वन बाई के टू इन रेस्ट पार माइनस के टू तो ये हमारी दो फॉर्मुलेशन है फॉर सी एंड डी नाउ अगर हम देखें इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू को उसको राइट हैंड साइड में हमें सी प्लस डी चाहिए एंड

कॉमन टर्म एंड पीछे क्या बचा एक हमारे पास बचा वन e रेस्ट पार के टू ए मीन्स ई रेस्ट पार के टू ए और यहां से आएगा प्लस ई रेस्ट पार माइनस के टू ए और अगर मैं जो इमे आइटा वाली टर्म्स लिखूं तो यहां से आएगा पहली टर्म से आएगा माइनस आइटा इंटू के वन बाई के टू ई रेस्ट पार के टू ए और नीचे से भी आईटा के वन बाई के टू वाली टम आएगी अगर मैं यहां से माइनस आईटा के वन बाई के टू कॉमन कर दू तो माइनस आईटा के वन बाई के टू मैंने कॉमन कर दिया तो अंदर क्या बचा यहां से आएगा ई रेस्ट पार के टू ए और नीचे आएगा माइनस ई रेस्ट पार माइनस के टू ए सो यू है सी प्लस डी हमारा स्टूडेंट क्या बना ई e, रेस्ट e पार आईटा के वन ए बाई टू और यह क्या चीज है अगर हम साइड में लिख के देखें ई रेस्ट पार एक्स प्लस इक्स दिस इज वॉट दिस इज टू कॉश एक्स एंड ई रेस्ट पार एक्स माइनस इेस्ट पार माइनस एक्स दिस इज टू शाइन एक्स वी हैव दाइपर वोलिक साइन एंड कॉशाइन फंक्शन तो अब यहां पे हमारे पास क्या है ई रेस्ट पर के टू ए प्लस ई रेस्ट पर माइनस के टू ए तो ये बनेगा हमारे पास टू कॉश के टू ए क्लियर माइनस आई के टू अब यहां पे है ई रेस्ट पर के टू ए माइनस ई रेस्ट पर माइनस के टू ए मीन्स सेकेंड जो हमारे पास फॉर्मोलेशन है वो अप्लाई होगा ये बनेगा टू शाइन के टू ए वैल्यू फॉर सी प्लस डी और इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके और लिखें तो सी प्लस डी की वैल्यू क्या आएगी e ईस्ट पार आईटा के वन ए जो टू है बच्चों उसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा कॉश के टू ए माइनस आईटा के वन बाई के टू इंटू शाइन के टू ए क्लियर तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई सी प्लस डी की एंड सिमिलरली आप सी माइनस डी भी कैलकुलेट कर सकते हो सी माइनस डी को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारा आएगा ई रेस्ट पार आइटा के वन ए इंटू शाइन के टू ए माइनस आईटा के वन बाई के टू इंटू कॉश के टू ए क्लियर

सी माइनस डी आया हमारा ई रेस्ट बार आईटा के वन ए इंटू कॉश की जगह साइन लगा दो और शाइन की जगह लगा दो माइनस आईटा के टू ए क्लियर तो ये हमारी सी प्लस डी की वैल्यू एंड सी माइनस डी की वैल्यू आ गई अब ये दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू में रख देंगे तो मेरी फाइनली जो इक्वेशन नंबर वन है एंड इक्वेशन नंबर टू है वो क्या बन जाएंगी तो मैं लिखता हूं ए प्लस बी इक्वेशन नंबर वन में ए प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी तो सी प्लस डी की वैल्यू है हमारे पास ई रेस्ट पार आईटा के वन ए इन टू कॉश के टू ए माइनस आईटा के वन बाई के टू शाइन के टू ई क्लियर, एंड जो सेकेंड इक्वेशन है ए माइनस बी उसमें राइट हैंड साइड है हमारे पास आईटा के टू बाई के वन बाकी सी माइनस डी है तो मैं लिखूंगा आईटा के टू बाई के वन इन टू सी माइनस डी तो ये हमारे पास क्या है सी माइनस डी तो इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा ई रेज टू पार आईटा के वन ए इ शाइन टू ए माइनस आईटा के वन बाई के टू इन टू कॉश के टू एव दिसन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू तो हम इसको इक्वेशन नंबर वन स्टार का नाम दे देते हैं इसको इक्वेशन नंबर टू स्टार का नाम दे देते हैं दीज आर दॉडिफाइड इक्वेशन क्लियर तो अब एक बार इनको ऐड करेंगे तो ए निकल आएगा एक बार सब करेंगे तो बच्चों बी निकल आएगा एक और चीज बच्चों ये जो टू स्टार वाली इक्वेशन है इसमें हमारे पास एडिशनल आईटा के टू बाई के वन है अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो बाकी जो बाहर वाली टर्म है वो सेम हो जाएगी तो ये बनेगी क्या ए माइनस बी इज इक्वल टू ईस्ट पार आईटा के वन ए अब ये जो आईटा वाली टर्म है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी ये बनेगी आईटा के टू बाई के वन इंटू शाइंग के टू ए और अब ये आइटा के टू बाई के वन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा के वन से के वन कैंसिल के टू से के टू कैंसिल बनेगा माइनस आइटा स्केयर माइनस आइटा स्केयर मतलब प्लस कॉश के टू ए सो दिस इज अवर फाइनल टू स्टार इक्वेशन क्लियर तो अब मैं इक्वेशन नंबर वन स्टार एंड टू स्टार को फिर से नेक्स्ट पेज पे लिखूंगा तो मेरी इक्वेशन क्या है ए प्लस बी विच इज इक्वल ए इन टू कॉश के टू ए माइनस आईटा के वन बाई के टू इन टू शाइन के टू ए ये मैंने पिछली स्लाइड से लिख ली अब मैं टू स्टार वाली इक्वेशन लिखूंगा वो मेरी क्या है ए माइनस बी विच इज इक्वल टू टूर आईटा के वन ए अब इसमें बच्चों क्या है वाली टर्म पॉजिटिव आगे आ जाएगी और प्लस साथ में क्या है आईटा के टू बाई के वन क्लियर तो ये बनेगा कॉश के टू ए प्लस आईटा के टू बाई के वन शाइन के टू ए दिस इज वॉट दिस इज दर्स्ट स्टार इक्वेशन एंड दिस इज दुवेशन क्लियर अब दोनों को एड करेंगे तो ए बन जाएगा सब ट्रैक्ट करेंगे तो बी बन जाएगा एडिंग वन स्टार एंड टू स्टार क्लियर तो बनेगा क्या टू ए विच इज इक्वल टू ई रेस्ट पार आईटा के वन ए अगर हम देखें कॉश के टू ए कॉश के टू ए तो ये कॉश वाली टर्म डबल हो जाएगी तो ये बनेगा टू कोश के टू ए और ये शाइन के टू वाइव वाली टर्म भी कॉमन आ जाएगी और अंदर बचेगा आईटा भी कॉमन आ जाएगा के टू बाई के वन माइनस के वन बाई के टू प्लस आइटा के टू बाई के वन माइनस के वन बाई के टू इन टू शाइन के टू ए क्लियर सो वी हैव दिस इक्वेशन अगर ए से डिवाइड कर देंगे सॉरी टू से डिवाइड कर देंगे तो टू यहां से कैंसिल हो जाएगा और ये टू नीचे आ जाएगा क्लियर सो so ये हमारी वैल्यू ऑफ ए बन गई नाउ सब्ट्रैक्टिंग वन स्टार एंड टू स्टार अब इसको सब्ट्रेक्ट करेंगे तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड बनेगा टू बी विच इज इक्वल टूर पार आईटा के वन ए अब कौश वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी अगर कौश वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी तो ये दोनों टर्म्स नेगेटिव बन जाएंगी शाइन वाली तो इसमें से आएगा माइनस आईटा के वन प्लस बाई के टू प्लस के टू बाई के वन शाइन के टू ए क्लियर तो अब बी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी टू से हम डिवाइड कर देंगे तो बी इज वॉट माइनस आईटा e टू पार आईटा के वन ए इंटू के वन बाई के टू प्लस के टू बाई के वन इंटू शाइन के टू ए डिवाइडेड बाई टू क्लियर दिस इज वैल्यू फॉर बी सो नेक्स्ट स्लाइड पे बच्चों हम ए एंड बी की वैल्यू लिख लेंगे एक्चुअली ये आर्टिकल हमारा बहुत लेंथी है तो इसको हम ध्यान से करेंगे तो हम ए एंड बी की वैल्यू फिर से लिखते हैं ए हमारा आया ई ई रेस्ट पार आईटा के वन ए इनटू, कॉस, कॉश के टू ए प्लस आईटा बाई टू k 2 by k 1 minus k 1 by k 2 into shine k 2 a so this is the value for capital a and what is the value for capital b this is minus eta e e raised to power eta k 1 a divided by 2 into k 1 plus by k 2 plus k 2 by k 1 इन शाइन के टू ई सो वी हैव दीज वैल्यूज फॉर ए एंड बी विच इज इन टर्म्स ऑफ ई और यहां पे मैं सी और डी की वैल्यू भी लिख देता हूं सी हमारा क्या आया डी हमारा क्या आया सी हमारा आया था ई ई पार आईटा के वन ए बाई टू इंटू वन माइनस आई के वन बाई के टू इंटू ई रेस्ट पार के टू ए और डी हमारा आया था ई रेस्ट पार आईटा के वन ए बाई टू वन प्लस आईटा के वन बाई के टू इंटू ई रेस्ट पार माइनस के टू ए ये स्टूडेंट्स हमने ए बी सी एंड डी ये चारों कॉन्स्टेंट्स इवेलुएट कर लिए इन टर्म्स ऑफ e अब यहां पे हमारे पास सिर्फ e की टर्म्स हैं तो हमने चार बाउंड्री कंडीशन लगा के पांच कांस्टेंट में से चार को इन टर्म्स ऑफ e रिप्रेजेंट कर दिया तो अब हम इसके बाद ट्रांसमिशन कॉफिशियंट एंड रिफ्लेक्शन कॉफिशियंट निकालेंगे बेसिकली हमारे पास साई वन साई टू एंड साई थ्री ये तीन वे फंक्शन आए थे इसमें से अगर हम देखें दिस इज द इंसिडेंट वेव एंड ये second वाला दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव एंड ये थर्ड वाला विच इज इन द रीजन नंबर इज कॉल्ड एज द वेव क्लियर तो इसको मैं लिख देता हूं दिस इज कॉल्ड एज साई इंसिडेंट दिस इज साई रिफ्लेक्टेड एंड दिस इज साई ट्रांसमीटेड क्लियर तो एक बार मैं आपको डायग्राम फिर से दिखाता हूं जो कंपोनेंट ऑफ साई वन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रहा है दैट इज वापस आ रहा है दैट इज साई रिफ्लेक्टेड तो साई वन के दो कंपोनेंट हमारे पास क्या है एक साई इंसिडेंट है एक साई रिफ्लेक्टेड है और साई थ्री में सिर्फ हमारे पास एक कॉम्पोनेंट है एंड दैट इज कॉल इज ट्रांसमिटेड कॉम्पोनेंट मींस वन नंबर मीडियम से दो नंबर मीडियम की तरफ जब वो गया वहां से पास हो गए इट विल ट्रेवल इन टू द रीजन नंबर थ्री विच इज कॉल्ड एज दी ट्रांसमीटर कॉम्पोनेंट तो हमारे पास ये जो तीन कंपोनेंट्स हैं साई इंसिडेंट साई रिफ्लेक्टेड एंड साई ट्रांसमीटर इनके कॉरस्पोंडिंग ही हम रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कॉफिशेंट फाइंड आउट करेंगे क्लियर तो मैं एक बार ये कंपोनेंट्स नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेता हूं साई इंसिडेंट बच्चों हमारा क्या है ए रेस्ट पार आईटा के वन एक्स साई रिफ्लेक्टेड हमारा क्या है बी ई रेस्ट पार माइनस आईटा के वन एक्स एंड साई ट्रांसमिटेड हमारा क्या है दैट इज दी ई रेस्ट पार आईटा के वन एक्स now we will solve for the reflection and the transmission coefficients now firstly we will define the reflection coefficient which the articles may be but only reflection coefficient is what this is the s reflection divided by s incident means probability density current for the reflection components and इंसिडेंट कॉम्पोनेट एंड होता क्या है एस इज वॉट दिस इज वी इन टू साइ स्टार साई वी जिस मीडियम में रिफ्लेक्टेड कॉम्पोनेंट है द रिफ्लेक्टेड कॉम्पोनेट तो साई के जो सब्सक्रिप्ट है वो भी मैं रिफ्लेक्टेड लगा दूंगा दिस इज अगेन वी इन दीडियम नंबर वन into साई इंसिडेंट स्टार into साई इंसिडेंट v1 से v1 हमारा कैंसिल हुआ तो ये बना क्या साई रिफ्लेक्टेड स्टार इंटू साइ रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय साई इंसिडेंट स्टार इंटू साई इंसिडेंट सो आर इज वॉट दिस इज साई रिफ्लेक्टेड अब हमारे पास साई रिफ्लेक्टेड बेसिकली है क्या दिस इज बी स्टार प्लस e के वन एक्स इंटू साई रिफ्लेक्टेड बी इंटूरेड a स्टार दिसनस आईटा के वन एक्स इंटू एक्स अब इनको देखें ये वाला कंपोनेंट ये नीचे के कंपोनेंट से कैंसिल हो गया ये माइनस आइटा वाला कंपोनेंट, माइनस आइटा वाले कंपोनेंट से कैंसिल हो गया तो अल्टीमेटली हमारे पास बचा क्या दिस इज वॉट बी स्टार बी स्टूडेंट्स लास्ट पेज पे बी कैलकुलेट कर रखा है ए भी कैलकुलेट कर रखा है तो हम क्या करेंगे दोनों टर्म्स को सॉल्व कर देंगे एंड वी विल सॉल्व फॉर कैपिटल आर क्लियर और जब हम बी एंड ए की वैल्यू कैपिटल आर की इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से बनेगा कैपिटल आर विच इज इक्वल टू बी स्टार बी बी बेसिकली हमारा क्या है दिस इज बी एंड व्हाट इज बी स्टार जस्ट आईटा वाली टर्म को माइनस आईटा कर देना है तो ये जब ई e रेस्ट पर आईटा के वन ए करेंगे बी स्टार में तो ये कैंसिल हो जाएगा यहां पे माइनस आईटा है तो एक हमारे पास प्लस आईटा बनेगा और माइनस आईटा इंटू प्लस आईटा वो प्लस वन बन जाएगा तो यहां पे बनेगा ई स्क्तर बाई फोर ये कॉम्पोनेंट कॉन्स्टेंट कॉम्पोनेट है इसमें सिंपली के वन बाई के टू प्लस के टू ए का स्क्र हो, हो जाएगा तो बनेगा क्या ई स्टार ई बाई फोर इंटू के वन बाई के टू प्लस के टू बाई के वन होल स्क्र इंटू Shine square to A. Divided by क्या आएगा आएगा में में है तो वो multiplication से cancel हो जाएगा अंदर बनेगी to A plus to by 2. एक प्लस वाली टर्म आएगी ए स्टार में ये माइनस हो जाएगी तो यहां पे ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा तो अल्टीमेटली जो हमारा आंसर है वो क्या बनेगा ई e स्टार e into cosh square k2a plus 1 by 4 k2 by k1 minus k1 by k2 whole square into shine square k2a. So, we have this value for capital R. Clear? So, now we will solve for capital T which is the transmission coefficient. Now, we have the ट्रांसमिशन दैट इज कैपिटल टी विच इज वॉट एस टी आर बाई एस इंसिडेंट एस टी आर बच्चों बेसिकली वी वन साई ट्रांसमीटर स्टार इंटू साई ट्रांसमीटर डिवाइडेड बाई हमारे पास वी वन साई इंसिडेंट स्टार इंटू साई इंसिडेंट क्लियर ये मैंने ट्रांसमिशन वाले कॉम्पोनेट में भी बी वन लगाया है बिकॉज हमने जब इक्वेशन को सॉल्व किया था तो मैं आपको दिखाता हूं रीजन नंबर वन में भी के वन कॉन्स्टेंट है रीजन नंबर थ्री में भी के वन कॉन्स्टेंट है और मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन भी किया था जो वेलोसिटी है इट डिपेंड्स अपॉन द वेव नंबर अगर वेव नंबर फर्स्ट एंड थर्ड मीडियम में सेम है तो हमारा वेलोसिटी सेम आएगा क्लियर तो वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल तो स्टूडेंट ये बना क्या साई स्टार ट्रांसमिशन साई स्टार डिवाइडेड बाय साई इंसिडेंट स्टार इनटू साई इंसिडेंट क्लियर तो टी का वैल्यू क्या बना साई ट्रांसमिटेड दैट इज वॉट ई रिस्ट पर आईटा के वन एक्स तो इसका स्टार क्या बनेगा ई स्टार ई रिस्ट पर माइनस आईटा के वन एक्स इंटू ई रिस्ट पर

ऊपर तो ऑलरेडी ई e बन रखा है पर नीचे हम ए की वैल्यू रख देंगे इन टर्म्स ऑफ ई ये मैंने ए वाली वैल्यूज़ ऑलरेडी लिख रखी हैं, तो इसका ए स्टार ए हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा फाइनल जो फॉर्मुलेशन है वो बनेगा ई स्टार ई डिवाइडेड बाई स्टार ई इन टू कॉश स्केर के टू ए प्लस वन बाई फोर टू बाई के वन माइनस के वन बाई के टू होल स्क्वायर इन टू शाइन स्केर के टू ए तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये फॉर्मूलेशन आ गई कैपिटल टी की और पिछली स्लाइड में ये वाली जो मेरी फॉर्मूलेशन आई है दिट इज द फॉर्मूलेशन फॉर कैपिटल आर और यहां से हमें यह पता चल रहा है आर भी जीरो नहीं है टी भी जीरो नहीं है आर इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड टी इज नॉट इक्वल टू जीरो टी इज नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स ट्रांसमीशन इज दियोर ट्रांसमीटर कॉम्पोनेंट्स आर दियर मीन्स रीजन नंबर वन से रीजन नंबर थ्री की तरफ पेनिट्रेशन होगी वेव्स की तो अगर वेव्स की पेनिट्रेशन हो रही है तो यहाँ पे जो हमारे रिजल्ट्स हैं क्लासिकल व्यू से बिल्कुल डिफरेंट हैं क्लासिकल व्यू में हमने ये बताया था कि वेव रीजन नंबर वन में वापस रिफ्लेक्ट होगा हमेशा बट क्वांटम मैकेनिकली हमारे पास क्या आ रहा है रीजन नंबर थ्री में भी पेन्यूट्रेशन करके वेव्स ट्रांसफर हो रही हैं सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल स्टूडेंट्स इसको आप ध्यान से करो क्योंकि इसमें काफी थ्योरी वर्क है तो आपको हर एक इक्वेशन को ध्यान से लिखना होगा अगर कोई इसमें डाउट है बच्चों तो मुझे पूछ सकते हो मैसेज करके अगर बच्चों आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक यू